सो हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए इस सेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आया हूँ, दैट इज अबाउट दी ईसीजीसी नोटिफिकेशन। तो रिसेंटली गाइस, ईसीजीसी हैज नोटिफाइड दैट दे विल बी कंडक्टिंग अ रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, बिकॉज ईसीजीसी का एग्जाम एक रेगुलर एग्जाम नहीं है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका एग्जाम होगा मई के एंड में। द डेट आई विल ऑल्सो नोटिफाई टू यू विद इन दिस सेशन। तो इसके बारे में आप क्या क्या इंपॉर्टेंट जानना है, वही मैं इसके आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। दैट विल बी नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट आर टोटल 75 ही नंबर, ठीक है जी। अब आगे डिस्कस करेंगे किस किस कैटेगरी वाइज कैसे इनको डिवाइड किया गया है। आफ्टर दैट द सेकेंड पॉइंट विल बी योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, थर्ड विल बी योर इंपॉर्टेंट डेट्स, फोर्थ विल बी लास्ट हम इससे एंड करेंगे पैटर्न टू द एग्जामिनेशन। नाउ गाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाई मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं दे शुड फोकस ऑन दिस रिक्रूटमेंट, बिकॉज काफी हद तक आपका पैटर्न जो है वो बैंकिंग से रिलेट करेगा, ठीक है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि क्रक्स पॉइंट है इसका, यानी कि सीटीसी कॉस्ट टू कंपनीज अराउंड 16 लाख पर एनम। तो आप एक बहुत ही अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के थ्रू, एंड यू विल ऑल्सो बी गेटिंग ऑल द रिक्रूटमेंट दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर गेटिंग, डीए एचआर वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो मैंने आपको बोला था 75 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, बट वो 75 वैकेंसीज कैसे डिवाइड की गई हैं, लेट अस लुक एट इट। तो 34 सीट्स होंगी आपकी अनरिजर्व कैंडिडेट्स की, आउट ऑफ दैट 11 होगी एससी कैंडिडेट्स के रिलेटेड, 10 एसटी, 13 ओबीसी और 7 इज फॉर दी EWS कैटेगरी। सो ये होगी 75 की डिवीजन, इसमें से एक वैकेंसी जो है वो बैकलॉग वैकेंसी है, एंड दिस ईयर इट विल बी 74। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या याद रखेंगे आपको, दे सेड दैट दिस नंबर ऑफ वैकेंसीज माइट इंक्रीज ऑल्सो, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। देन गाइस, फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज दे हैव सेड एन एडिशनल 4 जो है वो नंबर ऑफ पोस्ट है, दैट इज फॉर द PWD कैटेगरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब आपने वैकेंसीज देख ली है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा आर यू एलिजिबल और नॉट। तो एलिजिबिलिटी में इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। सबसे पहले बैंकिंग वालों के लिए सिंपल, मैंने आपको बोला था बैंकिंग क्राइटेरिया याद रखो, तो वही सेम है, मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। द डेट टू रिमेंबर हियर इज इफ यू आर बॉर्न अर्लियर देन 22nd of March 1992 और आफ्टर 21st of March 2001, देन यू गाइज आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। बाकी चीजों की बात करो तो जो एज रिलैक्सेशन बाकी एग्जाम में मिलती है वो आपको यहां पे भी मिल रही है, एससी एसटी 5 ईयर्स, ओबीसी 3 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी 10 ईयर्स एंड एक्स सर्विसमैन 5 ईयर्स। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अब मैं आपको बोल रहा हूं, अब आप इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, दैट इज यू नीड ओनली अ डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन। यहां पे कहीं पे भी नहीं लिखा उन्होंने डिटेल नोटिफिकेशन में कि आपको कितने परसेंटेज चाहिए या यू नीड एनीथिंग एल्स। सिंपल दे हैव सेड अ डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, विच मीन्स चाहे आपने बीए की है, बीएससी की है, तो आप इजिली इसको अप्लाई कर सकते हो। एक एडेड एडवांटेज है ना सेबी में, समटाइम्स क्या होता है कि बीटेक वालों को एडवांटेज हो जाती है, आरबीआई में क्या होता है परसेंटेज चाहिए होती है। देखो उसी लेवल की सैलरी आपको मिल रही है, बट ओनली इज आपको सिर्फ ग्रेजुएशन, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई हियर। ओनली वन थिंग दैट दे हैव मेंशनड हियर इज दैट यू शुड बी ग्रेजुएटेड टिल 20th of April 2022, विच मीन्स अगर आपने फाइनल एग्जाम्स दिए भी हैं तो यू कैन अप्लाई, बट द कंडीशन इज योर रिजल्ट शुड बी, जो आपका रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाए बिफोर 20th of April 2022। तो ये था जी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मूविंग फर्दर इज योर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ इंपॉर्टेंट डेट्स। तो ये डेट्स जो है वो आप बिल्कुल भी भूल नहीं सकते, ठीक है। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में मई एंड में आप एग्जामिनेशन है, तो एग्जैक्ट डेट क्या है 29th of May 2022। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर मैं डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो 21st of March से स्टार्टेड थी और 20th of April तक आपकी लास्ट डेट है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, मैं आपको एक चीज अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूं, डोंट वेट टिल द लास्ट डे। आप लास्ट डे तक वेट मत कीजिए, अभी राइट टाइम है, आप अपना एग्जाम को जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। देन गाइस, दे हैव आल्सो सेड दैट दे विल बी प्रोवाइडिंग यू द प्री एग्जाम ट्रेनिंग फॉर द एससी कैंडिडेट्स, ओबीसी को प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलेगी। तो उसके लिए क्या बोला है, आपको कॉल लेटर्स मिल जाएंगे टिल 25th of April एंड योर प्री एग्जाम ट्रेनिंग इज शेड्यूल्ड इन द फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ मई।
एक बहुत ही अच्छा स्ट्रीमलाइंड वे में एग्जाम हो रहा है. व्हाई आई एम सेइंग दिस, देखो 29th ऑफ मई को आपका एग्जाम होगा, देन दे सेड रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा 15th और 19th ऑफ जून के बीच में, एंड देन यू विल हैव एन इंटरव्यू इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त. तो देखो यहाँ पे एक चीज हमें जो समझने में आ रही है इस नोटिफिकेशन के थ्रू, कि यहाँ पे कोई भी टीयर वन टीयर टू एग्जामिनेशन नहीं है. देर इज ओनली अ सिंगल रिटन एग्जामिनेशन, विच मीन्स ओनली वन एग्जाम दैट इज ऑफ रिटन. तो सिंगल एग्जाम होगा रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद क्या होगा आपका डायरेक्ट इंटरव्यू. ठीक है जी, अब देखते हैं कि जो आपका एग्जाम है उसमें आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है. तो मैं आपको बता दूं गाइस, जो एग्जाम है आपका इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव. तो देखो जो बच्चे सिडबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी एडवांटेज है, आपको यहां पे भी ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन करनी है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, तो देखो ऑब्जेक्टिव में आपको ये 5 टॉपिक्स जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं, सिमिलर टू बैंकिंग. यहां पे भी सिमिलर टू बैंकिंग अवेयरनेस के हिसाब से जो नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम्स हैं उसी तरीके से ही एग्जाम का सिलेबस भी है, इट इज सेम. सो रीजनिंग यू विल हैव 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, क्वांट के लिए 50 क्वेश्चन है 50 नंबर के, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स ईच. एंड इफ आई टॉक अबाउट कंप्यूटर अवेयरनेस एंड जीए, सो जीए इज ऑफ 40 मार्क्स एंड कंप्यूटर अवेयरनेस इज ऑफ 20 मार्क्स. बट यहां पे टाइम कितना मिलेगा, जीए के लिए 20 मिनट्स और कंप्यूटर के लिए 10 मिनट्स. सो दिस वाज अबाउट योर ऑब्जेक्टिव पेपर, जहां पे आपको रीजनिंग और क्वांट के लिए फिर भी काफी एम्पल टाइम दिया गया है ऑफ 40 मिनट्स ईच. नाउ आफ्टर गेटिंग थ्रू द ऑब्जेक्टिव पेपर, ठीक है सिमिलर है, तो डिस्क्रिप्टिव में क्या है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव में आपको एक एसे लिखना है और एक प्रेसी राइटिंग करनी है, यानी वन एसे एंड वन प्रेसी राइटिंग. हाउ यू विल डू इट, यू विल बी गिवन टू ऑप्शंस आउट ऑफ विच वन एसे यू हैव टू राइट और एक प्रेसी राइटिंग लिखनी है, जो कि विच विल बी कैरिंग 20 मार्क्स ईच, और आपको इसके लिए कितने मिलेंगे, टोटल 40 मिनट्स. नाउ ये था एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में. अब इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है. तो यस गाइस, द एग्जामिनेशन विल हैव अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स. सो दिस वाज अबाउट योर नेगेटिव मार्किंग्स, और अब हमने पैटर्न भी समझ लिया. इसके अलावा द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विल बी कि इसके अलावा द इंपॉर्टेंट इज इंटरव्यू. तो ये था आपका इंटरव्यू, आपका टोटल होगा गाइस 60 मार्क्स का, विच विल बी इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त. 60 में से एटलीस्ट 40% जो है दैट विल बी योर क्वालिफाइंग मार्क्स. एंड इफ आई टॉक अबाउट द फाइनल मेरिट, वो कैसे क्रिएट होगी, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 80:20 रेशियो बिटवीन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड योर इंटरव्यू. तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू की इस हिसाब से इन द फॉर्म ऑफ 80:20 आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी. ठीक है, नाउ आफ्टर दिस वॉज ऑल अबाउट योर एग्जाम. अगर कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करूं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ओनली इन दिस 22 सेंटर्स दैट हैव बीन मेंशनड हियर. तो आप इनको देख लेना, ये 22 सेंटर्स जो मेंशन है यहीं पे ही आपके एग्जाम्स जो है वहां पे होंगे, और इंटरव्यूज भी जनरली यहाँ पे होंगे, बट उन्होंने बोला है मेन प्रेफरेंस इसको दी जाएगी मुंबई को दी जाएगी. ठीक है जी, इसके अलावा द लास्ट इज आपकी फीस के भी बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, यू कैन हैव अ लुक एट दिस ऑल्सो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नोटिफिकेशन. ठीक है जी, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं hello@aerotap.co.in पे. इवन गाइज यू कैन कॉल अस इफ यू वॉन्ट टू हैव अ फोन कन्वर्सेशन, जहाँ कोई भी डाउट है तो कॉल कर लीजिए 8146207241, और आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं. ठीक है जी, तो जल्दी जल्दी इस पोस्ट को भर दीजिए, काफी अच्छी पोस्ट है. ठीक है जी, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन.